प्रदेश कांग्रेस के मुखिया प्रीतम सिंह हल्द्वानी में हो रहे कुमाऊं सहकारिता सम्मेलन में भाग लेने को जाते समय अल्पविराम को काशीपुर रुके, जहां उन्होंने मीडिया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब में डबल इंजन की सरकार पर जनता को विकास के नाम पर छलने की बात कहते हुए जमकर निशाना साधा। नहीं देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, सरकार के गठन को लगभग एक साल का कार्यकाल होने जा रहा है और एक साल के इस कार्यकाल में हम कह सकते हैं कि जो डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड के लोगों ने बनाई, वो डबल इंजन की सरकार जो है उत्तराखंड के विकास के प्रति सचेत नहीं है। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये जो द्वंद्व चल रहा है ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रहा है, ये उनका विषय है। अब कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता है, कांग्रेस का इससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन हाँ, हम ये जरूर चाहते हैं कि प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है और इतना प्रचंड बहुमत, मैं समझता हूँ भाजपा को भी उम्मीद नहीं थी कि इतना प्रचंड बहुमत मिलेगा, तो उस प्रचंड बहुमत वाली सरकार का दायित्व तो बनता है कि वो उत्तराखंड के विकास की बात करे। डबल इंजन की बात देश के प्रधानमंत्री ने कही थी, उत्तराखंड के लोगों ने उसका अनुसरण किया और डबल इंजन की सरकार दी है, लेकिन डबल इंजन का फायदा उत्तराखंड के लोगों को होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तराखंड के काशीपुर से रफीक खान की रिपोर्ट।